नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आरआरबी के द्वारा जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ किया जा चुका है। इससे पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। तो अब कुछ देर पहले ही जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि प्लस टू लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ किया जा चुका है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एवरीथिंग डिटेल, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग यानी कि ट्वेल्थ पोस्ट लेवल के रिगार्डिंग हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर तक जरूर बने रहें, सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, सीएन नंबर है 6/2024, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे ये देख लेना, सीएन नंबर 6/2024 नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसके बाद हम डायरेक्ट जो जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, ये 80 पेजेस का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी वेबसाइट की बात करें तो 20/9/2024, अभी कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है। ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की बात करें तो 21/7/2024, यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 20 अक्टूबर रखी गई है, लगभग एक महीने का समय दिया गया है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जो है सितंबर में ही यानी कि 10 दिन के अंदर जो है 1 अक्टूबर तक आप अपना जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके अपनी जो फॉर्म की टेंशन है उसको ख़त्म करके और इसकी तैयारी में जो है जुट जाइएगा। डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, मतलब फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर 2024 तक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो की बात करें तो ये 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक जो है मॉडिफिकेशन की विंडो जो है ओपन की जाएगी यहाँ पे। वैसे आप पहली बार में जो है फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिएगा ताकि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कहा गया ये जो कुछ पोस्ट हैं उनका नाम दिया गया है। तो प्लस टू लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट होती है तो यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, दूसरे नंबर पे जो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तीसरे नंबर पर ट्रेंस क्लर्क है और चौथे नंबर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये टाइपिंग वाली कौन सी पोस्ट हो सकती है तो सबसे पहले देख लेना, ये टाइपिंग की पोस्ट हो सकती है, हो क्या सकती है, यही टाइपिंग की पोस्ट है और दूसरी ये टाइपिंग की पोस्ट है। तो ये दोनों जो पोस्ट है इन दोनों पोस्टों के अंदर जो है टाइपिंग होने वाली है। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो टाइपिंग नहीं सीख सकते, अगर सीखेंगे भी तो भी टाइपिंग नहीं आ सकती, तो इन पोस्टों को जो प्रेफरेंस है वो सबसे लास्ट में देना। अदरवाइज जो है पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले जो है एक वीडियो मैं बना दूंगा कि इस पोस्ट को पहले अच्छी प्रेफरेंस दें, उस हिसाब से जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएँ तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका स्टैंडर्ड लेवल, देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करें इसकी नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे देख लेना, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10+2 जो है, प्लस टू पास जो है क्लास आप पास होने चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 33 साल जो है एज यहाँ पे मांगी गई है। 1/1/2025 से जो है आपकी एज कोई काउंटिंग की जाएगी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 CPC की नौकरी है, 21,700 जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। B2 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज की बात करें तो 18 से 30 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे एज अप्लीकाई इन CN एज 1/1/2025, तो यहाँ पे देख लेना एज नॉम सी है, तो यहाँ पे 3 साल का एज रिलेक्शन देने के बाद जो है 18 से 33 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी आरआरबी के अंदर 2022 इसके अंदर टोटल वैकेंसी निकाली गई है सभी आरआरबी को मिलाकर। उसके बाद सेकंड पोस्ट की बात करें, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये लेवल 2 की नौकरी है, 19,900 इसके अंदर सैलरी मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। एज की बात करें तो 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 361 वैकेंसी है सभी आरआरबी के अंदर। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो लेवल 2 की नौकरी है, 19,900 आपको सैलरी मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। एज की बात करें तो 18 से 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और 990 वैकेंसी टोटल सभी आरआरबी के अंदर निकाली गई है। ट्रेंस क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर लेवल 2 की नौकरी है, 19,900 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है और जो एज है वो 18 से 33 रखी गई है। टोटल 72 वैकेंसी है और ग्रैंड टोटल की बात करें तो सभी पोस्टों को मिलाकर 3,445 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट लेवल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये बताया गया है यहाँ पे कि इस इंक्लूड रिलैक्सेशन 3 ईयर एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू COVID-19। तो COVID-19 की वजह से जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे
ये बताया गया है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन 20 अक्टूबर 2024 है, तो 20 अक्टूबर 2024 से पहले जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं हम और क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये चीज़ हो चुकी है, उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। कॉल लेटर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस, तो ये इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या कहा गया है। तो ये देख लेना, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस की बात करें तो आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेज टू सीबीटी शैल बी डन एट रेट ऑफ 15 टाइम ऑफ वैकेंसी। तो जो है सेकंड स्टेज के लिए कितने गुना बच्चों को जो है भेजा जाएगा, तो 15 गुना बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेज टू के लिए। और द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी एक्सिस्ट ऑफ 8 times द वैकेंसी में इंक्रीज डिक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑफ मेरिट सेकंड स्टेज सीबैट। तो ये बताया गया जो 8 गुना बच्चों को है सीबैट एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया 15 गुना बच्चे जो है स्टेज वन में पास किए जाएंगे और जो सेकंड स्टेज है जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग से, उसमें 8 गुना बच्चों को जो है भेजा जाएगा, मतलब अगली स्टेज में नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कहा गया। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहने वाली है, तो यहाँ पे देख लेना, देयर शिल बी नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट आंसर सीबैट डिडक्शन ऑन 1/3 सीबीटी डिडक्शन 1/3 मार्क्स। तो यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये एक याद रखना आप, 1/3 की जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप काफ़ी स्मार्ट हैं इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे चल रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 80 pages की ये जो PDF है ये इनके द्वारा बनाई गई है। अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में, कल जो सुबह है एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन सी जो है इसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, वो सारा मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये देख लेना थोड़ा सा आप एक बार, कोई ज़्यादा देख लेना। उसके बाद हम आ जाएंगे नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पर देख लेना, भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, एज लिमिट द अपर एज लिमिट तो यहाँ पे बताया गया है, एज ग्रुप देख लेना 18 से 33। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जर्नल और EWS वाले बच्चों के लिए जो अपर एज है वो 2/1/1992 रखी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए यहाँ पे 2/1/1989 रखी गई है और SC ST के बच्चों के लिए 2/1/1987 रखी गई। वैसे ही लोअर लिमिट डेट्स बर्थ की बात करें तो यहाँ पे सभी कैटेगरी वालों की जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2007 होनी चाहिए। तो ये अपर और जो लोअर एज लिमिट है वो मैंने दोनों की यहाँ पे बता दी है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, उसके बाद रिजर्वेशन वैसे ही मिलता रहेगा OBC वालों को यहाँ पे 3 साल का, SC ST को 5 साल का। और आगे चलते हैं देख लेते हैं और भी यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, नो एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे दिया मिलेगा। यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट यहाँ पे देख लेना 500 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, और फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन इनकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो है आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 400 रुपये जो है फर्स्ट CBT एग्ज़ाम देने के बाद। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो ऑनलाइन जो है वो पेमेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, नेट बैंकिंग, रुपए, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं उससे जो है आप अपनी जो है वो कर सकते हैं पेमेंट। उसके बाद इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास की बात करें तो EBC होता है ये, 50,000 या इससे कम वाले बच्चों के लिए है ये इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास। उसके बाद देख लेना, जिसकी भी इनकम 50,000 या इससे कम है वो बच्चे EBC के अंदर आते हैं और वो EBC का जो है बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो और देख लेते हैं EWS के बारे में बताया गया, EWS यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन में किन किन बच्चों को जो है माना जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और ये जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगे गए हैं, जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं तो ये सारे सेंट्रल का चलेंगे, सेंटर के चलेंगे, याद रखना कोई भी स्टेट का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है, सेंटर के चलेंगे सारे सर्टिफिकेट, चाहे ये कास्ट सर्टिफिकेट हो जाए या फिर EWS या जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो सारा सेंटर का चलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया, ये एक्स सर्विस मैन के बारे में दिया गया है, और देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं, बाकी तो सारा हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद आ जाते हैं आगे और देख लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेज आ गई है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स की बात करें तो 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस GK GS पूछे जाएगा 40 मार्क्स की,
उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए मैं ये माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ठीक है, यहाँ पे थे हम, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख लेना, जो है स्टेज वन के लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके बाद 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। जीके जीएस जो है 40 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जो कि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और जो रिजर्व जो PWD वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे 120 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, हम ऊपर बात कर चुके हैं, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। आर शॉर्टलिस्ट सेकंड स्टेज CBT कॉलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ OBC, ठीक है आगे आ जाएंगे हम। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स और इनके सिलेबस दिए गए हैं, डिटेल से इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। GK GS रीजनिंग और मैथ के ये टॉपिक वाइज जो है आप अपनी तैयारी करना। CBT स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बताया गया है देख लेना, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाई अगेंस्ट RRB एज पर देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT। तो ये बताया गया है कि जो RRB वाइज जो है वो कट ऑफ बताई जाएगी फर्स्ट स्टेज की, और दो है 15 गुना बच्चों को जो है वो पास किया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया है जो कैटेगरी वाइज जो है 15 गुना बच्चों को वैकेंसी का, नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 गुना बच्चों को स्टेज वन में जो है पास किया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज का देख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी बात करें तो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है 90 मिनट दिए जाएंगे। जनरल GK GS के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 पूछे जाएंगे। टोटल जो है 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो यहाँ पे देख लेना स्टेज वन और सेकंड स्टेज के दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यहाँ पे जो है सिलेबस दे दिया गया है, मैथ रीजनिंग और जनरल GK GS का जो सिलेबस है इसको पढ़ लेना आप आराम से। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है, यहाँ पे देख लेना। जर्नल वालों के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC वालों के लिए 30%, SC और SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, तो ये देख लेना, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट CBT टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द स्टेज सेकंड CBT ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये जो दो पोस्ट बताई गई है यहाँ पे, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए जो है टाइपिंग टेस्ट आपको आनी चाहिए। तो सोच समझ कर जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा लिया जाएगा। यहाँ पे देख लेना, ये बता भी दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट के लिए जो है ये टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेज है ये सभी के लिए कॉमन होने वाला है, तो ये सभी के लिए एक ही होगा। CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा सभी पोस्ट के लिए एक होगा, और जो CBT 2 होगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क का मेथड अपनाया जाएगा, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। एक फॉर्म मैं भर के आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे आपको जो है अपना फॉर्म इसके अंदर फिलअप करना है, वो देख के जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन था जो NTPC के द्वारा जारी कर दिया गया है, आगे इसके अंदर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, देखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये चालू हो गए हैं और कुछ नहीं है, ये RRB की लिस्ट दी गई है बस यहाँ पे, जितने भी RRB की लिस्ट है ना, ये RRB की लिस्ट दी गई है सारी। जैसे कि ये देख लेना, अहमदाबाद RRB, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, ये किस भी RRB से जो है आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे, ये RRB की वैकेंसी दी गई है, इसको भी देख लेना आप कि RRB के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। जैसे कि पटना की बात करें तो यहाँ पे पटना में देख लेना कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है यहाँ पे देख लेना, जर्नल की 4 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। तो RRB के अनुसार भी जो है आप अपनी वैकेंसी चेक कर लेना, उस हिसाब से भी जो है आप अपनी
पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बचा है, बाकी तो सारी हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये सारे आरआरबी यहाँ पे दिए गए हैं, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये फॉर्म्स आ गए हैं, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो डू द कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका जो कमेंट का रिप्लाई है वो डेफिनेटली किया जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पे और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बाद हम सीधा नीचे आ जाते हैं। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह कुछ और कहीं पर दी गई हो तो। तो ये देख लेना एक बार, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होना चाहिए बट देख लेते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, 7th CPC 3 लेवल की नौकरी है, सैलरी में बता चुका हूँ, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे ये देख लेना, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो +2+ आप होनी चाहिए, इट्स इक्विलेंट विज नॉट लेस देन 50%। तो +2 क्लास यानी कि 12वीं क्लास में जो है आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, नोट बी इंस्ट्रक्टेड अपॉन इन केस SC ST पर्सन बेंचमार्क डिजेबिलिटी एंड कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफिकेशन 10+2। तो ये बताया गया है कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके +2 क्लास में, तो आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, +2 क्लास आप पास होने चाहिए, नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंस्टेड अपॉन, तो वही बताया गया, +2 पास आप पास होने चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो हमने यहाँ पे देख ली है, और बाकी आपको सबको पता सारी जानकारी मैंने दे दी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये नोटिफिकेशन देख लिया है, और फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो ये डेट्स आप एक बार फिर से मेंशन कर लेना, 21 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर यहाँ पे रखी गई है, तो समय से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाले हैं, अभी बहुत जल्द जो है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट का जो है वो चलाने वाले हैं, तो ये आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। GK GS की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, NTPC के लेवल की, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों लेवल की तैयारी करवाएंगे, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।